हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन की परचेजिंग डेट को किस तरीके से पता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराना फोन है या आप कोई पुराना फोन खरीदने की सोच रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं वो कितने दिन पुराना है, कितना मोबाइल चला हुआ है, कब वो खरीदा गया है, तो उसकी डेट को आप आसानी से पता कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी पता कर सकते हैं कि वो मोबाइल अब गारंटी में है या नहीं, या वो वारंटी से बाहर हो चुका है। तो मोबाइल की परचेजिंग डेट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट का नाम है हमारी imeicheck.com। वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों, मोबाइल की परचेजिंग डेट चेक करने के लिए आपको imei नंबर आपके मोबाइल का डालना होगा। यदि आपसे imei नंबर चेक करना नहीं आता तो आप अपने मोबाइल में *#06# डायल करेंगे तो वहां से आप अपना imei नंबर निकाल सकते हैं। वहां से नंबर निकालने के बाद दोस्तों, वो नंबर यहाँ आपको कॉपी करना है। नंबर डालने के बाद दोस्तों, आपको चेक पर क्लिक करना है। चेक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, मोबाइल की पूरी डिटेल आ जाएगी, किस कंपनी का मोबाइल नंबर है, उसका imei नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, मॉडल कौन सा है और वारंटी स्टेटस क्या है कि वारंटी में है या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं वारंटी स्टेटस आउट ऑफ वारंटी, यानी वारंटी इसकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने दोस्तों मोबाइल ये 2019 में लिया था और अब चल रहा है 2022। एक साल की मोबाइल की वारंटी होती है तो हमारी वारंटी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों, वारंटी की डेट कब लिख रही है, यहाँ पर 2021 तक लिख रही है कि 2021 में इसकी वारंटी खत्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों, हमारी वारंटी है 2020 में ही खत्म हो गई थी। इसमें 2 साल की वारंटी के हिसाब से जोड़ा गया है, लेकिन हमारे मोबाइल की 1 साल की वारंटी होती है तो वारंटी हमारी 2020 में ही खत्म हो गई थी। और नीचे लिख रहा है परचेजिंग डेट, यहाँ पर प्रोडक्शन डेट जो आपको दिखाई गई है 7/6/2019 में। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जून में ही अपना मोबाइल 2019 में खरीदा था, तो उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन डेट या परचेजिंग डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने जिस महीने में मोबाइल खरीदा था उसी महीने की यहाँ पर डेट दिखाई गई है। एक्चुअल डेट मुझे याद नहीं है कि किस दिन मैंने खरीदा था, 7 तारीख में ही खरीदा था या 10 में खरीदा था या 15 में खरीदा था। लेकिन दोस्तों, महीना जून 2019 का था जब मैंने यहाँ पर मोबाइल अपना खरीदा था। और मोबाइल हमारा किस लोकेशन में, कंट्री इंडिया में है। और यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक लिस्टेड स्टेटस, यानी हमारा मोबाइल ब्लैक लिस्टेड नहीं है, क्लीन है, हमारा ब्लैक लिस्टेड मोबाइल नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस वेबसाइट के द्वारा किसी भी कंपनी के मोबाइल की परचेजिंग डेट को आसानी से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।